तो बेसिकली आज की क्लास में हम बात करेंगे कस्टम फॉर्मेटिंग के बारे में। कस्टम फॉर्मेटिंग क्या यूज है इसके बारे में चलिए बात करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमने कोई अगर नंबर लिख रखा है तो नंबर के आगे पीछे कोई प्रीफिक्स सफिक्स कैसे जोड़ा जाए। जैसे कि मैंने मान लीजिए 50 हमने दिया है, इसके आगे मुझे एमआरपी चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे इस पे कलर कर्सर रखेंगे और चले जाएंगे नंबर के कस्टम फॉर्मेट पे। यहाँ पे हम लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा में एमआरपी या जो भी देना चाहते हो वो आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद जो है आप जो है अगर सिर्फ एमआरपी लिख के छोड़ देते हैं तो आपका सिर्फ एमआरपी शो करेगा, लेटर नहीं दिखेगा। लेटर क्या नहीं होगा, लेटर आपका नहीं दिखेगा। ठीक है जी जी। इसके आगे हम कस्टम फॉर्मेटिंग में आते हैं और इसके आगे हम जीरो लगा देते हैं, जीरो या हैश लगा देते हैं तो फिर आपका नंबर शो करेगा। ठीक है जी जी। अब उसी तरह से यहां मुझे करना है, इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे कस्टम में और कस्टम में यहाँ पे हम देखिए यहाँ पे जीरो या हैश कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एमआरपी और पहले देना है तो पहले, बाद में देना है तो बाद में, आप यहाँ पे जीरो कर दीजिए या हैश कर दीजिए, आप यहाँ पे कर पाए। ठीक है जी। जी लेकिन इसमें हम कभी कई बार क्या है जीरो के जगह पे हैश भी कर देते हैं। यहाँ देखिए हैश और जीरो में कोई फर्क नहीं हो। ठीक है, लेकिन अगर जीरो की क्वांटिटी बढ़ जाती है, जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूं 3 बार 0 तो आपको फर्क दिखेगा। फिर 5 जो है 0005 तो 2 आगे जीरो लग जाएगा, 3 डिजिट मेंटेन हो जाएगा। बट हैश में ऐसा कुछ नहीं है, आप यहाँ पे हैश 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 कर दीजिए आपके चाहे जितना नंबर करे उससे कोई प्रॉब्लम उसको नहीं। ठीक है जी जी, क्लियर है। हाँ जी अब यहां हम बात करते हैं कस्टम में जीरो हैश के बारे में और सीखते हैं। जैसे ये दिख रहा है ना, इस तरह से कैसे करें, तो इसके लिए हमने एक मिनट क्या करते, इसके लिए हमने क्या किया, इस पे कर्सर रखा, कर्सर रखने के बाद कस्टम पे गए और यहां पे हमने कर दिया 0,0 हैश और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर भी लिखा रुपीज और फिर डाउन पैसे। ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि हमने 0 हैश क्यों किया, हम 0,0 भी कर सकते थे। ठीक है, 0,0 अगर करते हैं तो क्या फर्क होगा, कि देखिए यहां सिर्फ पैसा है ना, तो 00 पैसा दिख रहा है तो देखने में थोड़ा सा और लग रहा है, चलिए हम डबल हैश कर देते हैं। तो डबल हैश करने में 2 प्रॉब्लम, पहला कि जो सिर्फ पैसे में है वो आपको यहां इस तरह से दिखेगा,
ठीक है। इसलिए हम यहां पे एक जीरो और एक हैश देते हैं, ताकि जीरो जो सिंगल डिजिट है वो जीरो में आ जाए। अदरवाइज पैसे आ जाए। ठीक है जी जी। आगे बढ़ते हैं। देखिए थाउजेंड्स को भी हम कर सकते हैं। 25,000 है, मेरे से 25 लिखना है तो यहां पे आते हैं, तो यहां पे देते हैं हैश कॉमा, उसके बाद जो भी इनिशियल वर्ड लिखना चाहते हैं जैसे थाउजेंड या के, वो आप यहां पे लिख दीजिए। लिखने के बाद जैसे मैं ओके करूंगा या 25,000 से 25 लिखूंगा, 25K। बट एक्चुअली में 25,000 है, उसे से मान लीजिए बिलियंस में है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कस्टम में आएंगे और कस्टम में हम यहां पे लिख देंगे 0.00 एंड डबल कॉमा, सिंगल कॉमा बिलियन थाउजेंड के लिए, बिलियन ट्रिलियन, डबल कॉमा ट्रिलियन, ट्रिपल कॉमा डबल कॉमा बिलियन, ट्रिपल कॉमा ट्रिलियन, ऐसे होता ही होता है। इसका यूज हम लोग बहुत करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक नंबर आपके सामने दिख रहा है, मुझे पता करना है कि इन दोनों के बीच में बड़ा कौन है छोटा कौन, तो पता करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ठीक है, अगर आपके पास मैथ की नॉलेज है तो आप पता कर सकते हैं, बस मैथ की नॉलेज नहीं है तो आप पता करना आपको ये भी मुश्किल हो सकता है। तो यहां हम कस्टम पे आते हैं, वहां पे 0.00 एंड यहां पे डबल कॉमा, ठीक है सर, तो सेम चीज हमने यहां भी किया हुआ देख सकते हैं। नया रिपोर्ट डालना 0.00 और इसमें ब्रिलियन के लिए प्वाइंट लगा था, प्वाइंट 0.00 करना जरूरी नहीं है, पर क्या है बिलियंस में है, तो उसमें अगर कुछ पॉइंट का फर्क एक लाख से बन लाखों का होता है, इसलिए हमने यहाँ पे 0.00 दिया था कि पॉइंट्स में आ जाए। ठीक है जी जी। अब बात करते हैं डेट की। देखिए डेट जो है हमारा ऑलरेडी हमारे पास यहाँ कस्टम के अंदर डेट का ऑप्शन है, तो अपने हिसाब से जो डेट चाहे यहां से ले सकते हैं। लेकिन क्या है कि कई बार मुझे अपना खुद का डेट बनाना हो, हमें अपना खुद का डेट बनाना होगा। उस केस में हम जाते हैं कस्टम पे। अब यहां देखिए डी जो होता है डेट के लिए, ठीक है, एम मंथ के लिए होता है, वाई ईयर के लिए होता है, बताता हूं मैं भी। एक डी दे देंगे तो यहां देखिए 1, 2, 3, 4, 5 आए, दो डी देंगे तो 0, 1, 2 डेट आएगा, तीन बार देंगे तो संडे मंडे ट्यूजडे फ्राइडे इस तरह से आएगा, चार बार देंगे तो फ्राइडे सैटरडे संडे इस तरह से कंप्लीट आएगा, अब पांच बार देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद डैश यहाँ 0, 1, 1 कर दिया हमने, सॉरी डी डी, सॉरी डी डी, और स्लैश एम के लिए मंथ होता है, 1M 1, 2, 2, 0, 1, 2, 3, 4 कंप्लीट मंथ आएगा, तो वाई ईयर के लिए वाई होता है। देखिए
तो जैसा मर्जी ऐसा डेट आप बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे जो हमारा स्टैंडर्ड डेट फॉर्मेट है जो सबके लिए यूज होता है वो है, वो लेते हैं यहाँ पे डी डी डैश एम 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 डैश वाई वाई, ठीक है जी जी। अब बात करते हैं टाइम, तो टाइम के लिए हमारा एच एच एम एम एस एस होता है, एच फॉर आवर, एम फॉर मिनट, एस फॉर सेकेंड। और ए एम पी एम के लिए आप यहां से ए एम पी एम स्लैश पी एम कर सकते हैं, ए एम स्लैश पी एम कर सकते हैं आप, ठीक है सर जी सर। जी सर, लेकिन टाइम अगर 24 आवर से ऊपर का हो तो उस केस में एक चीज का ध्यान रखना है, ये जो एच देंगे ना यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, एच जो होगा वो स्क्वायर ब्रैकेट में होगा, ठीक है। अब जी बात करते हैं कन्वर्ट करने की। जैसे मुझे अगर किसी टाइम को, जैसे टाइम दिख रहा है मुझे, इस टाइम को मिनट में कन्वर्ट करना है तो उसके लगाते हैं टेक्स्ट का फॉर्मूला, ठीक है जी। और इसको डेट को सिलेक्ट करके इन्वर्टर को मैं देते हैं 1 2 3 डी डी, नहीं डी डी नहीं, स्क्वायर ब्रैकेट में एम होगा, मिनट है ना हमारा, ठीक है। ऐसे सेकेंड में करना है तो टेक्स्ट इसको लेते हैं कॉमा, स्क्वायर ब्रैकेट में देते हैं एच एच नहीं एस एस फोर सेकेंड। कभी कभी क्या होता है कि हमें टाइम निकले से आवर निकालना होता है, तो डायरेक्टली आवर नहीं निकाल सकते, आवर के लिए भी हम टेक्स्ट फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं और उसमें हम एच देते हैं। ठीक है जी जी। अच्छा ये कुछ ट्रिक्स के ऊपर देखते हैं। सबसे पहले यहां देखिए कि यहां पे कुछ कोर्स और प्राइज लिखे हैं, जिस कोर्स के सामने जो प्राइज है, अगर मान लीजिए नंबर प्राइज पॉजिटिव में है इसका मतलब कि वो एमआरपी है, नेगेटिव में है इसका मतलब वो डिस्काउंट है, ठीक जी है, और जीरो फ्री है, तो इस तरह की लिस्ट शो करना है। तो कस्टम फॉर्मेटिंग के अंदर जो कोड डालते हैं ना, इसके चार पार्ट होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो एंड टेक्स्ट। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया एम आर पी और इसमें जीरो दे दिया, जितने पॉजिटिव नंबर है उस पर एमआरपी शो होगा। फिर सेमी कॉलम देते हैं और दूसरा पार्ट देते हैं नेगेटिव के लिए, तो यहाँ देते हैं डी आई एस डिस्काउंट, दूसरा पार्ट जो यहाँ पे नेगेटिव होगा वहां डिस्काउंट शो हो, तीसरा होता है आपका फ्री मतलब जीरो, तो यहाँ पे फ्री कर देता हूं तो जहां भी जीरो होगा वहां फ्री शो कर, और चौथा आता है टैक्स क्योंकि मैं जिसको मैंने ब्लैंक शो कर दी, ठीक है। तो जी सेमी कॉलन से यहाँ दे सकते हैं जो जरूरत हो दे,
अब टेक्स्ट की बात हुई है तो एट द रेट टेक्स्ट जीरो और हैश जो है नंबर के लिए होता है, उसी तरह से एट द रेट टेक्स्ट के लिए होता है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे कंपनी नेम लिख रहा हूं और मैं चाहता हूं कि जो मेरा कंपनी नेम है उस पे एम स्लैश एस आ जाए, अपने आप आ जाए, तो इन्वर्टर को हमें एम स्लैश एस कर दिया और यहां पे एट द रेट कर एन ओ। उसी तरह से नंबर में आते हैं, यहां पे एट द रेट और यहां पे मान लीजिए दे देते हैं दक्षिण पूरी न्यू दिल्ली डबल वन डबल जीरो सिक्स टू, ठीक है जी जी उसे से बायो अटेंडेंस की बात करें, यहाँ भी एक ट्रिक्स और लेके चलते हैं। यहाँ भी एक ट्रिक्स और भी है, जैसे कि पासवर्ड। अगर मैं पासवर्ड लिखता हूं तो देखिए इस तरह से टाइपराइटर पे आ जाता है। तो कैसे किया हमने, इसके लिए हमें कुछ नहीं, डबल स्टार कर दिया, एक स्टार तो कंपल्सरी है। उसके बाद अगर स्टार शो करना है तो स्टार दे दीजिए, अगर आपको एक्स शो करना तो एक्स दे दीजिए, जो भी कैरेक्टर शो करना है कैरेक्टर डाल दीजिए आपको वही शो। अब मेरे पास एक डेट, आप एक डेटा आप देख पा रहे हैं, इसमें क्या है कि ये बायोमेट्रिक अटेंडेंस का डेटा है कि किसने कितना बार अपना कार्ड को पंच किया है। इसके राइट क्लिक फॉर्मेट सेल और यहां कस्टम में आते हैं और कस्टम में मैं यहां पे जो है पॉजिटिव के लिए पी डाल दिए, सेमी कॉलन निगेटिव नहीं है इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं और अब्सेंट के लिए ए डाल देते हैं। देन ठीक है, समझ गए सर? हाँ जी हाँ जी हाँ, ठीक है जी ठीक है। अब इसमें मुझे कलर करना है, मुझे जितने रेड है ना रेड कलर करना है जितने अब्सेंट हो, तो इसका आगे मैं कर देता हूं रेड स्क्वायर ब्रैकेट में आर ई डी रेड एंड ओके। इस तरह से हम कलर भी कर सकते हैं, ठीक है जी। अब एक ही चीज, अब आपको होमवर्क मिल रहा है, ये जो दिख रहा है एक फॉर्म दिख रहा है ना, एक इमेज को दिख रहा है जी, ये आपको जो है सेम ऐसा ही एक्सेल पे बनाना है आज।